इन दिनों वेब डिज़ाइनिंग और कंप्यूटर की जानकारी को नौकरी की गारंटी मानी जाती है, लेकिन क्या करें, इसे सीखने के लिए अच्छा खासा पैसा जो खर्च करना होता है, और यह हर किसी के वश की बात नहीं है, खासकर गरीब और अनाथ बच्चों के लिए। लेकिन आप नारायण चंद्र ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे लर्न फ्रॉम पीयर्स से सस्ते में और बेहतर तरीके से वेब डिज़ाइनिंग और कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। यहाँ से प्रशिक्षण पाए बच्चों का काम देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए यहाँ से प्रशिक्षण पाए बच्चों का काम देखते हैं। बताइए, मतलब यहाँ पर क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है? तो बेसिकली अपनी तरह का ये पूरे महाराष्ट्र में आप इकलौता लैब है, जहाँ पर 7th स्टैंडर्ड से लेकर उसके ऊपर किसी भी एज ग्रुप में हम लोग कोडिंग या जिसे बेसिकली वेब डेवलपमेंट कहा जाता है वो सिखाते हैं। आप यहाँ पर मल्टीपल तरीके के लैंग्वेजेस और नो कोड कोडिंग सिखाई जाती है, जिसका यूज करके बच्चे वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं। और ना सिर्फ इतना, बल्कि इन वेबसाइट्स को बनाने के बाद हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर बच्चे इंटर्नशिप तक में, उसकी एज क्या है उसके रिस्पेक्ट है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि इंटर्नशिप या फ्रीलांस प्रोजेक्ट में। तो ये जो पूरी लैब आप देख रहे हैं, इसका सबसे मेन विजन और मिशन ये है कि हमारे पालघर में जहाँ बच्चों को कंप्यूटर से रिलेटेड अवेयरनेस और फैसिलिटी नहीं है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। ये NGO के अंडर रन होने वाला पूरा प्रोग्राम है। एक बहुत आसान भाषा में मैं बताऊँ कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी आसानी से सिर्फ 100 रुपये भर के बेसिक पूरे कोर्स का 100 रुपये भर के बेसिक कंप्यूटर सीख सकता है। अच्छा, बेसिक कंप्यूटर सीख सकता है सिर्फ 100 रुपये और सर्टिफिकेट के साथ। और इसके अलावा अगर कोई कोडिंग सीखना चाहता है, बाकी आपके दर्शकों को पता होगा कि 60-70 हज़ार 80 हज़ार पर चले जाते हैं कि कोई अच्छे से कोडिंग सीखना चाहता है। हम हमारे यहाँ बच्चों को दिन के मात्र 23 रुपये में कोडिंग ना सिर्फ सिखाते हैं, बल्कि लाइफ टाइम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा वो प्रोजेक्ट बनाकर पैसे वगैरह कमाते हैं। हमारे बच्चे आपको प्रोजेक्ट सिखाएंगे, सारी चीज़ें आपको देखने का मौका मिलेगा। और यही सारी चीज़ें हम लोग पिछले यहाँ पर 1.5 साल से 2 साल से करते आ रहे हैं। तो बेसिक कंप्यूटर कोर्स में क्या क्या आपने? बेसिक कंप्यूटर कोर्स में कोई भी एक नॉर्मल कोर्स आप निकाल लीजिए जो बाहर मार्केट में 8,000-10,000 तक का है, जैसे जहाँ आप कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, कंप्यूटर में बेसिक कीबोर्ड्स क्या होते हैं, शॉर्टकट कीज क्या होती हैं, टाइपिंग प्रैक्टिस आपकी, बाकी सारी चीज़ें जो बेसिक कंप्यूटर में आप कवर करते हैं, ईमेल आपका बनाना, बाकी के लिए सारे डिजिटल, बेसिकली इसे हम डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम करते हैं, ताकि हर बच्चा जो जिसे कंप्यूटर मिल सकता है नहीं मिल सकता है, बट उसे बेसिक कंप्यूटर इतना आना चाहिए कि वो समझ सके कि कंप्यूटर क्या क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है फ्यूचर के लिए। मतलब PDF वगैरह जो होता है, सब कुछ सब सब और वो क्या जो एक्सेल वगैरह जो है, इसमें मैं सिखाते हैं बेसिक कंप्यूटर। कितना टाइम लग जाता है उसे? बच्चा एज ग्रुप पर वैसे तो डिपेंड करता है, बट लगभग 1 महीने के अंदर बेसिक कंप्यूटर पूरा होगा, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। और हम एक बेसिक कंप्यूटर पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर के बाद बच्चे ज़्यादातर कोडिंग सीखने चले जाते हैं। तो जब वो कोडिंग सीखते रहते हैं तो उसी तरह उनकी कंप्यूटर पर अपने आप अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है। कंप्यूटर सीखने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितनी चीज़ें रख सकते हैं। अगर वो 7th स्टैंडर्ड में है, 7वीं पास है 7th स्टैंडर्ड में है, से लेकर अगर वो 50 साल तक है, हम सिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लोगों को अपना कंप्यूटर लेकर भेज दिया आता है, फिर यहाँ पर जो कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाता है? नहीं, यहाँ हम कंप्यूटर इंटरनेट सब कुछ जो फीस के लिए मैंने आपको बताई उसमें आपको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। क्लासेस ऑफलाइन चलती हैं, ऑनलाइन चल रही हैं, आपके सर्टिफिकेशन सारी चीज़ें हम लोग यहाँ करते हैं। यहाँ इवन जो कंप्यूटर्स आप यहाँ देख रहे हैं, जो थोड़े अलग दिख रहे होंगे आपको एवरेज से, ये हमारी एक कह सकते हैं सिस्टम कंपनी है, उसी के अंदर बनते हैं। मात्र 10,000 रुपये में कोई भी बच्चा कंप्यूटर खरीद सकता है। अच्छा, जो आप यहाँ पढ़ेगा वो? नहीं, कोई भी चाहिए वो खरीद सकता है। उम्र 13 साल, लेकिन सिखाते हैं लोगों को कंप्यूटर, जानकर आप चौंक जाएंगे। बहुत सारे लोग 13 साल की उम्र में सोचते हैं कि उन्हें करना क्या है, उन्हें समझ ही में नहीं आता है कि वो क्या करें, लेकिन 13 साल का रितेश वर्मा लोगों को कंप्यूटर सिखाते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि वो कैसे सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं। हाँ, बताइए उन्हें क्या बताते हैं। बताइए रितेश, क्या बताते हैं? तो मेरा नाम रितेश वर्मा और मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ अभी। और जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तो मेरे को कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। सो हमारे स्कूल की तरफ से ये नारायण चंद्र ट्रस्ट में लर्न फ्रॉम पीयर्स में विजिट किया थे। सो यहाँ पे मेरे को पता चला कि वेब डिज़ाइन का कोर्स भी होता है। सो मेरे को पहले से कोडिंग में इंटरेस्ट था, मैंने इधर एडमिशन लिया, बेसिक कंप्यूटर सीखा। बेसिक कंप्यूटर पूरा क्लियर करने के बाद फिर स्क्रैच आया, जैसे स्क्रैच का वो गेम दिख रहा है आपको, ये वाला गेम मेरे ख्याल वैसे बहुत लोग, मतलब बहुत सारे लोग फ़ोन में भी इसको खेलते हैं गेम को। तो ये गेम मैंने इधर बनाया था, ये नो कोड से, मतलब ब्राइट ड्रॉ जैसे गेम बनाने में सिर्फ 2 वीक लगा था का।
सो अभी इसका जो कोड रहता है जो आपको ब्लॉक्स दिख रहे बाजू में वो सारे ब्लॉक्स एक पाइथन प्रोग्रामिंग से बनते हैं, जो मतलब कोडिंग का एक लैंग्वेज है पाइथन, पुराना हो गया ना। हाँ, तो उससे ये सारे ब्लॉक बनते हैं। जैसे ये सब ब्लॉक्स की एक वैल्यू रहती है, जैसे हम पजल खेलते हैं वैसे ये पजल की तरह, पजल जैसे हम खेलते हैं वैसे इस पे पजल पजल जैसा ज्वाइंट करना रहता है, इसके वैल्यू के हिसाब से लगाना रहता है और हमारा गेम बन के रेडी होता है। तो फिर जब से मैंने स्क्रैच स्टार्ट किया था तो मेरे को कोडिंग में और इंटरेस्ट आने लगा। फिर उसके बाद आता है वर्डप्रेस, जहाँ पे वेबसाइट्स रियल में बनाते हैं। सो ये मतलब वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे नो कोड से हम वेबसाइट्स बना सकते हैं। सो मेरे को कोडिंग में इंटरेस्ट था तो नो कोड मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा, सो उससे भी मैंने 4-5 वेबसाइट बनाए, तो वर्डप्रेस फिर उसका कोर्स खत्म हुआ। तो ये जो आपको वेबसाइट दिख रही है ये मेरी खुद की पोर्टफोलियो है, जैसे मैं आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ बोल के, वैसे आप ये वेबसाइट मेरी विजिट करके सब मेरे बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ, क्या हूँ मैं, मेरे स्किल्स क्या हैं, मेरे प्रोजेक्ट्स सब आप देख सकते हैं। और आप मेरे को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इस पर, एकदम लास्ट में आपको सेक्शन मिलेगा कॉन्टैक्ट का ये। और फिर मैंने कोडिंग से प्रोजेक्ट बनाया था, ये नो कोड से कि मैंने 4-5 वेबसाइट बनाई थी, फिर कोडिंग से एक वेबसाइट बनाया था मार्वल एवेंजर्स के ऊपर, वो वाली मूवी बहुत सारी हम देख रहे हैं एवेंजर्स एंड गेम के, सो मैं बहुत अच्छा लगा था मेरे को ये मूवी। तो ये वेबसाइट मैंने पूरी कोडिंग से बनाई थी, मल्टीपल पेज वाली है, इस पर ये ट्रेलर वगैरह सब एंड गया, म्यूजिक वगैरह। सो ये वेबसाइट भी मतलब मैंने कुछ 2 वीक्स में बनाई थी कोडिंग से। फिर मैं एक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट मिला था आपको, जैसे फ्रीलांसिंग जैसे हम अंडर रहते हैं हमको इंटर्नशिप मिल जाता, तो फ्रीलांसिंग एक ऐसा जरिया जहाँ से हम अर्न कर सकते हैं। जैसे आपका कोई शॉप है तो आप आपको वेब डिजाइनिंग नहीं आती, वेबसाइट बनाने नहीं आता, तो आप लर्न फ्रॉम पियर्स में आएंगे और हम वेबसाइट बना के देते हैं वो क्लाइंट को। सो ये वेबसाइट बना के मेरी ग्रुप को 13,000 मिली थी और उस पर से 2,000 मेरे को मिला था। सो मैंने स्कूल की फीस और ट्यूशन की फीस पे, और फिर मैं मतलब जैसे कोई भैया, जैसे मैं इधर का मेंटर कैसे बना, जैसे कोई भैया इधर लेक्चर लेता रहता है तो एक साथ सारे बच्चे नहीं दे पाते, सो मैं जब सीखता था इधर तो और बच्चे जो मेरे से छोटे मतलब जो मेरे नीचे होते थे तो उनको जैसे कोई डाउट आया और भैया उधर नहीं पहुँच पाएंगे तो मैं उनकी डाउट सॉल्व करता था। सो वैसे डाउट सॉल्व करते करते मैं इधर का जूनियर मेंटर भी बन गया, अभी सबके डाउट सॉल्व करता हूँ। और मैंने नासिक से कुछ बच्चे आए थे, 15 बच्चे आए थे, सो उनको भी मैंने पढ़ाया था। सो बस मेरे बारे में, तो आपको इंटरेस्ट कैसे है मतलब कंप्यूटर में ये सब चीजों में, मतलब मैं जैसे गेम्स में, जब आपको इंटरेस्ट है तब आपकी उम्र क्या थी? तब मेरे 12 तो आपको कहीं से कैसा आइडिया कैसे आया? यहाँ का स्कूल की तरफ से हम लोग। अच्छा अच्छा, तो इसके अलावा भी किसी चीज में आपका इंटरेस्ट है? क्रिकेट में था तो क्रिकेट क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया। हाँ, गेमिंग मतलब क्या है, वो फुटबॉल अच्छा था उस पर सब, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है गेमिंग का छोटा था, तो उस पर भी कुछ 500 सब्सक्राइबर थे मेरे। तो आप क्या क्या कर लेते हो कंप्यूटर के मामले? सर कोडिंग, नो कोड, ड्रिंक्स बना सकता हूँ। तो आपकी इनकम कितना होती है सो बताइए? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप फ्रीलांसिंग काम लेते हैं? जैसे वो क्लाइंट के ऊपर है, वो वेबसाइट के ऊपर है कितना काम वो करवा रहा है, कितना है। तो आपसे फिर किसी ने कहा नहीं कि यार तू तो बच्चे हो यार मेरा क्या काम कर? नहीं नहीं, वो भैया लोग के बात आते ना तो। अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या करना मतलब, अभी तो आपकी उम्र काफी कम है, काफी टाइम आपके पास बचा हुआ है। मेरे को गेमिंग में भी इंटरेस्ट है, तो जैसे मतलब ये नए चीजें आ रही है टेक्निक में कंप्यूटर में है कि नहीं, तो जैसे क्लास से मैं घर जाता हूँ ये कोडिंग में अलग सा इंटरेस्ट है और गेमिंग में अलग सा इंटरेस्ट है। तो जब घर जाता हूँ 1 घंटे में अपना वीडियो बनाता हूँ, एडिट करता हूँ गेम्स के और यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। तो अभी मेरे कुछ 507 ऐसे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं। तो एक चीज बताओ, आप बहुत सारे कोर्स पढ़ने होते हैं क्लास के दौरान, तो आप सारा समय आप इसी पर देते हो कि अपने कोर्स पढ़ने? मैं अपने पढ़ाई में भी मतलब जैसे 4 घंटा मैं पढ़ने बैठता हूँ ट्यूशन, मतलब दीदी मेरी घर पे लेती है मेरा ट्यूशन। अच्छा। तो उस पर भी मैं अलग से लेता हूँ 4 घंटा और 2 घंटा कुछ जो मैथ्स के रहते हैं वो सिर्फ सॉल्व करता हूँ, फिर जो टाइम बचता है मैं उधर लेता हूँ। और अपने मतलब आपकी पढ़ाई में कहीं कोई सर्विस नहीं है यहाँ पर? अगर आपको यहाँ पे भी आपको कभी कभार मैं पढ़ाई करता हूँ, जो समझ में आता है तो भैया लोग रहते हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखा ना किस तरह से 7वीं 8वीं में पढ़ने वाले 12 से 13 साल के बच्चे यहाँ से प्रशिक्षण पाकर ना केवल समाज में बदलाव लाने का सपना देख रहे हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी सिखाने का काम कर रहे हैं और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। तो देरी मत कीजिए, जल्दी से खुद या अपने बच्चों को इस लर्न फ्रॉम पीयर्स में एडमिशन दिलाकर अपने और अपने बच्चे के जीवन को आसान बनाइए। अब कुछ नारायण चंद्र ट्रस्ट के बारे में भी जान लेते हैं।
खूबसूरत बिल्डिंग, बिल्डिंग के चारों तरफ हरे भरे पेड़, साफ सफाई का पूरा इंतजाम, करीब 2 एकड़ में फैला ये कोई कॉरपोरेट ऑफिस नहीं है, बल्कि यहाँ पर गरीब और बेसहारा बच्चों के सपने पलते हैं, पल्लवित पुष्पित होते हैं। कामकाजी महिलाओं और लाचार बुजुर्गों का सहारा है ये। इन सब की देखभाल नारायण चंद्र ट्रस्ट करता है। आप सब जानते हैं, आज महाराष्ट्र और देश भर के अनाथालयों से पले बढ़े बच्चे तमाम चुनौतियों को पीछे छोड़कर कामयाबी की कहानी लिख रहे हैं। इसके लिए नारायण चंद्र ट्रस्ट जैसी कुछ संस्थाओं की जरूर उनकी निस्वार्थ सेवा भावना की जितनी तारीफ की जाए कम है। गरीब और अनाथों के लिए काम करने वाली नारायण चंद्र ट्रस्ट जैसी संस्था उनको आत्मनिर्भर बनाकर समाज के लिए वरदान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बात अगर नारायण चंद्र ट्रस्ट की करें तो यह न केवल गरीब और अनाथ बच्चों बल्कि जरूरतमंद बुजुर्गों और नौकरी पेशा महिलाओं के लिए भी काम कर रहा है। मुंबई से सटे नालासोपारा ईस्ट में ट्रस्ट की काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। यहाँ रहने वालों की सुरक्षा, उनकी सेहत, उनके मनोरंजन और उनकी सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाता है। बिल्डिंग के मेन गेट से एंट्री करते ही फूल और हरियाली आपका स्वागत करते हैं। साफ सफाई तो ऐसी जैसी आपकी सोसाइटी की भी शायद नहीं रहती होगी। साफ सफाई और बिल्डिंग के चारों तरफ हरियाली देखकर आपका मन मस्तिष्क खिल उठेगा। यहाँ रहने वाले हर लोगों को परिवार से भी बढ़कर ख्याल रखा जाता है। पानी और बिजली की सप्लाई 24 घंटे रहती है। पौष्टिक आहार का पूरा इंतजाम है। ट्रस्ट गरीब और अनाथ बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करके और उन्हें विकास का मौका देकर जिम्मेदार और उत्पादक नागरिक बनाने में मदद करता है। उनकी शुरुआती शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और किसी तरह के प्रोफेशनल कोर्स करने का खर्च ट्रस्ट उठाता है। यहाँ पर बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोबोटिक्स, मोबाइल रिपेयर और कंप्यूटर कोर्स भी कराया जाता है। बच्चों को स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन भी दी जाती है। अब तक बहुत सारे बच्चे संस्थान में रहकर स्नातक कर चुके हैं। उनमें से कई तो अपनी पढ़ाई पूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा लेकर निकले हैं। कुछ पुलिसकर्मी, कमांडो, शिक्षक, वकील, मूर्तिकार, चित्रकार भी हैं। कहा जाए तो नारायण चंद्र ट्रस्ट के बच्चे वास्तव में आज समाज में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। यहाँ पर पहुँचना आसान है। मुंबई से सटे नालासोपारा या विरार रेलवे स्टेशन पर उतर कर आप यहाँ पहुँच सकते हैं। नालासोपारा स्टेशन से यह करीब 2.5-3 किलोमीटर दूर है। स्टेशन से शेयरिंग ऑटो लेकर आप यहां आ सकते हैं। शेयरिंग ऑटो का किराया 20 रुपया प्रति व्यक्ति है। ट्रस्ट की बिल्डिंग के पास ही मोरेगांव तालाब है, इसलिए यहां के आसपास का वातावरण काफ़ी अच्छा बना रहता है। हमने इस ट्रस्ट के डायरेक्टर विजय सराटे से ट्रस्ट के काम, उसके मिशन, उसके भविष्य की योजना के संबंध में बात की। विजय सराटे खुद अनाथ हैं और एक अनाथ लड़की से ही उन्होंने शादी भी की है। उन्होंने MSW में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि हासिल की है। विजय सराठे 2006 से नारायण चंद्र ट्रस्ट के डायरेक्टर हैं। दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज खास मेहमान है विजय सराठे साहब। सामाजिक क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में बदलाव लाने के लिए अपनी काफी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं और सराठे साहब नारायण चंद्र ट्रस्ट के डायरेक्टर हैं, तो उनसे हम जानेंगे ट्रस्ट के काम और उसके मिशन के बारे में। तो 2006 में मैं इधर आया हूँ, खत्म 6-4 साल खत्म होते आया हूँ और मैंने इधर आए तो थोड़ा सा बिल्डिंग का काम चालू था। अच्छा। उनका रजिस्ट्रेशन था, परंतु मैं आने के बाद थोड़ा सा मैं लीगलाइज काम करना चाहता था। तो पहला उनको ड्रीम था कि ये अनाथ बच्चों को संभालना है। अच्छा। तो मैंने बोला गवर्नमेंट की ये प्रोजेक्ट में जाके, ये डिपार्टमेंट जाके उनका लाइसेंस लेना पड़ता है। अच्छा, अच्छा, दूसरा वर्किंग वुमेन्स का भी था। अच्छा। बोलते कि नहीं, ये लड़के सुरक्षित रहनी चाहिए मुंबई में। और ये हमने काम शुरू किया, जैसे 108 अनाथ बच्चों को एडॉप्ट किया। अच्छा सर। और आप देखेंगे हर एक बच्चे की कहानी सुनेंगे, एक बच्चे का भी आपको जैसे मेरी कहानी वैसी उनकी भी कहानी, उनको भी माँ बाप नहीं, ना पेरेंट्स है, ना घर है, ना रिलेटिव कोई भी नहीं है। अभी वही बच्चे मेरे तक क्या 18 साल तक हमने संभाले। 18 साल के बाद हमने, अभी हमारे नए ट्रस्टी आए अनिरुद्ध मालपानी, उन्होंने बोला कंटिन्यू नहीं करेंगे, नहीं ऐसा तो अनाथ बच्चे नहीं मिल रहे। अच्छा। तो एक दो बच्चों को ही संभालना, 20 बच्चों को ही संभालने से हम और बड़ा काम करने का प्रयास। अच्छा, अच्छा। तो वो भी हमने चालू किया, पर जब बड़े मालपानी थे तब तक हमने 108 बच्चों को अडॉप्ट किया। अच्छा। इसमें से कई बच्चे अभी इंजीनियर बन रहे, कोई मैनेजमेंट में जा रहे, कोई आईटीआई भी करके खुद के पाव पे खड़ा है। अभी वही बच्चे 18, 19, 20, 21 साल के बच्चे हो गए।
अभी वो बच्चों को मैं 18 साल के बाद मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विराट महानगर पालिका है बसे मीना महानगर पालिका बीएमसी, तो उनसे थोड़ा कमिश्नर के साथ रिक्वेस्ट करने के बाद और इधर के जो एमएलए आपा जी ठाकुर जी जी और हेमाताई ठाकुर हमें थोड़ी मदद करती है इसके बारे में, तो हम ये बच्चों को 48 बच्चों को मैंने अभी एक शेल्टर दे दिया ताकि उनका रहना खाना पीना हो जाए। कई बच्चों का एजुकेशन ऑनलाइन था तो उधर नहीं होता था, तो 12-13 बच्चे अभी मेरे साथ रहते हैं तो उनका भी अभी चालू है। और यही मकसद था, इन बच्चों को कोई ने ऐसा महसूस ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परिवार जैसा, हाँ परिवार जैसा ही होना चाहिए। आप किसी को भी बोल दीजिए इधर अनाथ वर्ड यूज करना ही मना है। अच्छा, इनको क्या कम किया हमने? कभी भी कम नहीं किया, खाना नहीं कम किया, कपड़ा नहीं कम किया, एजुकेशन अच्छा इंस्टीट्यूट जो विवा कॉलेज विवा का जो है जो विराग में सबसे अच्छा है उसमें मेरे सब बच्चे जा रहे थे। और यही बच्चों की कहानी अलग थी, एक भी बच्चे के पास एक भी पेपर नहीं है, तो मेरे पास दिमाग था मैं थोड़ा गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट के स्कूल में उनको एडमिशन दाखिला देने का प्रयास करता था। बाद में उनका एक पेपर बनता है उसमें मैं आधार कार्ड बनाता था। अभी हर एक बच्चे के पास आधार कार्ड पैन कार्ड उसका बैंक अकाउंट ये सब करने का। कई बच्चे अभी पासपोर्ट निकालना चाहते तो थोड़ा ट्रस्टी को मैं थोड़ा सा बता देता, सर इनका कुछ भी नहीं है तो एड्रेस हमारा देखे क्या प्रॉब्लम है, नहीं करेंगे हम थोड़ा फॉलोअप करेंगे, तो हमें कभी डांटते नहीं। अच्छा, वो बच्चे हमारा एड्रेस देते हैं पर हम उनको बोलते टेम्पररी लिखो देना, पर जब जैसे होता है कन्वर्ट करो, पर उनका भला वही हमारा भला हो सकता। सही बात है ये। और तीसरा वर्किंग लेडीज हॉस्टल है, अभी तक 850 लड़कियां मेरे पास रखे गए। अच्छा, और इसमें से अब मेरे पास 75 लड़कियों की मान्यता है वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मान्यता होना चाहिए तभी आप ये यूनिट चला सकते हैं लेडीज का, तो वो हम चलाते। पिछले इसमें अभी 850 लड़कियां, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस की भी लड़की महिलाएं आती है, सीखने वाली लड़की भी आती है और सर्विस करने वाली भी आती है, तो पूरा भारतवर्ष में जितने भी है वो आके इधर रह सकते हैं, फायदा उठा सकती है। अभी मेरे पास 45 लड़कियां हैं। जी जी जी। और कई पढ़ते इसमें उनको जो बेसिक फैसिलिटी है जी जी जी। वही हम सब प्रोवाइड करते हैं, हर एक रूम में जो उनकी बेसिक नीड होता है सब प्रोवाइड किया जाता है, परंतु एक थोड़ा सा रूल्स बनता है इंस्टीट्यूट का, उसको उन्हें फॉलो करना पड़ता है। ये हमारे उसमें 4,800 रुपीज फी ली जाती है, उसमें फूड भी है, रेसिडेंशियल भी है, ये सब फैसिलिटी दिया है, ऐसी ये सब है। अभी जो तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा सीनियर सिटीजन, जी जी जी, हमारे डॉक्टर मालपानी को बहुत सारे उनके फ्रेंड्स ने बताया कि आप इतना अच्छा काम करते हो तो थोड़ा सा हमारे सीनियर सिटीजन को दिखा लीजिए, क्यों? क्योंकि हमारा ही नौकर हमें बहुत तकलीफ देता है, हमारे रिलेटिव जो मेरा बेटा है फॉरेन में गया है, जी जी, मेरे लोग है सर्विस में जाते हैं, परंतु सर्वेंट है कोई हमारा नोचता है, हमें डांटता है, हमें कुछ भी करता है, तो ये भयावह था। जी जी जी। तो इसके कारण उनके दिमाग में आया कि नहीं ये भी हमें सीनियर सिटीजन को करना है। जी जी। ओल्ड एज होना नहीं होना चाहिए, परंतु ये कारण जो होता है उनका भी राइट होता है कि मुझे भी इंडिपेंडेंट जीना है, मुझे भी आत्मसम्मान के साथ जीना है, आत्मसम्मान के साथ जीना है, तो पैसा भर के वो भी रहते, मेरे पास 11,000 रुपए भरते, परंतु वीआईपी टाइप है, वीआईपी में नॉनवेज नहीं देता, परंतु वेस्ट फूड जो होता है वो बेस्ट बेस्ट हेल्थ फूड होता है, हमने देने का प्रयास किया, हम 2 प्रोटीन नहीं देंगे परंतु जिंदगी करने के लिए जितना उनको चाहिए वो उनके कार्ड टाइम टेबल बनाए, सुबह क्या मिलेगा, दोपहर सुबह नाश्ते के लिए क्या मिलेगा, दोपहर को क्या, शाम को क्या मिलेगा, रात को क्या मिलेगा, सोते वक्त उनको मिल्क भी दिया जाता है। अच्छा सर, ग्रेट, ताकि उनकी हेल्थ, आते वो कैसे लोग आते हैं और बाद में आप जाके उनका भी एक बार एक दूसरा इंटरव्यू लेकर प्रयास करिए, उनकी कहानी देख के आपको भी आश्चर्यित रहेंगे, इधर आके बच्चे ये लोग कितने सुखद को बोलते हैं, ओल्ड एज नहीं है, डांटे है, हमारा अपना घर है, हमारा स्नेहालय है, हमारा घर है, ये उनको दावे के साथ होता है, दावे के साथ, तो थोड़ा सा उनको जो एक प्रेशराइज होता है पेरेंट्स का, उनके बेटे का, उसमें थोड़ा सा पर्सनलेस होता है। और मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयास ऐसा करता हूँ कि ये परिवार के साथ ना टूटे। अच्छा सर, मैं उनको बोलता हूँ आप रैपिडली उनको विजिट करने के लिए आ जाए, इसके कारण मैं ज्यादा कानून नहीं रखता हूँ, आप कभी भी मिलने के लिए आ जाए लोगों को, इनको ये घर लगा है,
और आपको लगता है एक दिन आपके घर में जाके आइए और बाकी दिन आप इधर ही मेहनत इधर ही आपका घर अच्छा, समझिए तो एंजॉय करते हैं। हम इधर वृद्धाश्रम में कौन सा त्योहार नहीं मनाते, हम हिंदू संस्कृत मानते हैं तो हम हिंदू संस्कृत का करते हैं। तो जो मेरे पास मोमिनियन रहते तो मैं ईद मुबारक देने के लिए हम जाते हैं, परंतु मुझे इसमें मालूम नहीं इसके बारे में, पर उसको लगता है तो उन्होंने जाके कुछ कर सकता है, हमें कोई दिखते नमाज पढ़ सकता है, परंतु ज्यादा से ज्यादा सब हिंदू कल्चर का। तो दिवाली हो तो दिवाली ही मना, होली होती तो होली मनाए, गणपति फेस्टिवल तो गणपति मनाए, हर एक फेस्टिवल हम इतना मजा करते हैं। उसके साथ उनको एंटरटेनमेंट करने के लिए हम टीवी की फैसिलिटी दी है, कैरम दिया है, लाइब्रेरी दे दिया है, जो उनको बेसिक उनको किसी को चाहे मुझे ताश खेलना है तो भी ताश खेलो। कई लोग खुद का सारी पार्ट लेके आते हैं और बोलते हैं हमें ये खेलना है, बुद्धि बल का खेल, वो भी बहुत टैलेंटेड लोग है जी, जी, जी। उनकी बहुत आइडिया लेके उन्होंने समाज तैयार किया है, तो उनको भी टाइम पास की तरफ दो। सही बात है सर, इसके कारण सीनियर सिटीजन है, उनके पास सीनियर आइडियाज आइडियाज लेके हम करने का प्रयास करते हैं और उनको अपनापन अपना घर जैसा देने का हम ट्रेन करते हैं जी। तो सराटे साहब की कहानी आपने सुनी, कितनी इंस्पायरिंग कहानी है। आप नौकरी के लिए सरकार को दोष देते हैं, सुविधाएं नहीं है तो सरकार को दोष देते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई में कमी है, रहन सहन में कमी है तो माँ बाप को जिम्मेदार ठहराते हैं, उनकी शिकायत करती है। लेकिन एक सराठे साहब को देखिए, कितना स्ट्रगल किया लेकिन कभी कोई शिकन नहीं हुई, कोई पछतावा नहीं हुआ कि हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास वो नहीं था। तो इनकी कहानी काफी ही प्रेरणादायी है, आप इनसे कुछ सीख सकते हैं। सराठे साहब, ये नारायण चंद्र ट्रस्ट के बारे में कुछ बताइए। नारायण चंद्र ट्रस्ट के बारे में जो डॉक्टर नारायण मालपानी और चंद्रकला मालपानी जी, ये दोनों का ये ड्रीम था। हम नारायण चंद्र ट्रस्ट नाम ही लिखा तैयार, ट्रस्ट का नाम हुआ नारायण यानी नारायण मालपानी और चंद्रकला यानी चंद्र, इसी तरह नारायण चंद्र उसका ट्रस्ट लिखा। और उनके ड्रीम था कि जैसे वो नागपुर से आते अमरावती से, अच्छा सर, मेडिकल प्रैक्टिस से थे दोनों ही, जब आए मुंबई में तो उनके पास कुछ रहने के लिए भी नहीं था, एक सूटकेस लेके आए थे, कहाँ रहेंगे ये भी प्रॉब्लम था, पर वो गोल्ड मेडलिस्ट थे उधर और परंतु इधर आने के बाद उनके खुद की प्रैक्टिस के कारण बहुत पॉपुलर हुए, मुंबई सेंटर हो, मुंबई के एरिया में, थाना में, भिवंडी में, इतने मेहनत किए, स्ट्रगल किया, उन बच्चों को भी, उनके खुद के बच्चों को भी उन्होंने अच्छा किया। एक बच्चा तो IIT होके अमेरिका में निकल गया, एक बच्चा तो IVF में, यानी जो वो सेंटर चलते हैं जिसको बच्चा नहीं होता इनफर्टिलिटी में, जी जी, वर्ल्ड के फेमस डॉक्टर है, और उन दोनों को ही उनको एजुकेशन दिया। और जब उनको बड़ा होने के बाद सामाजिक काम सोशल वर्क करने से पहले उन्होंने उनको एक पूछा कि ये मेरा पैसा है, आपको चाहिए आपको, उन्होंने इतने ही बेटे ने बोला आपने हमें एजुकेशन दिया है, आपके पैसे का ही जरूरत। तो वो पैसा उनको पूछ के उन्होंने नारायण चंद्र ट्रस्ट स्थापित किया, और स्थापित करने के बाद इससे पहले वो डोनेशन हर एक इंस्टीट्यूट में, HIV की संस्था हो, स्नेहालय नगर का संस्था हो, वेश्या व्यवसाय का किसी का भी हो, सभी को सपोर्ट करते थे, पर आप काम करें खुद पीछे रहते थे, फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, कभी भी समाज के प्लेटफॉर्म में नहीं आए कि मैं कर रहा हूँ, क्रेडिट कभी नहीं लिया, कभी भी लिया नहीं, ये भी खड़ा किया नारायण चंद्र ट्रस्ट इतना बड़ा होकर, कभी भी बोला नहीं मैं ये खड़ा किया हूँ, ये उनका बड़प्पन है। और उन्होंने इतना ही नहीं किया है, नारायण चंद्र ट्रस्ट ने हम बोलते हैं ना ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी उन्होंने किया, इसके कारण उन्होंने किनौली में जो ठाणे डिस्ट्रिक्ट का जो एक शाहपुर का गांव है उधर कम से कम 30 एकर्स लैंड खरीद लिया, ताकि उनमें ये सब किसान आए ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेनिंग के लिए एक काम करने का। इसके साथ और एक मॉडल उन्होंने मध्य प्रदेश में किया जी जी। और उधर 21 डेज का एक ट्रेनिंग चलता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। अच्छा, इसका मध्य प्रदेश में कहाँ देवास, अच्छा देवास डिस्ट्रिक्ट, देवास डिस्ट्रिक्ट में गाँव है, तो उधर उन्होंने काम किया है और बहुत सारे खेती किसान को ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेनिंग देते हैं, और जैसे कैंसर जैसी बीमारी नहीं होने के कारण उन्होंने
ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग का बढ़ावा देने के लिए का प्रयास है। कहीं के स्टेट ने ये पॉलिसी अप्लाई की है, टाटा कंसल्टेंसी और नाबार्ड। अच्छा। और इन्होंने तो नारायण मालपानी जो मालपानी ट्रस्ट है उनके साथ उन्होंने कोला राइटिंग किया है। अच्छा। और ये सब काम पूरा देश में चला रहे हैं, ये उन्होंने उधर का काम किया है। ऐसे डॉक्टर मालपानी का ये पूरा ये जिंदगी थी। अच्छा। और ये काम करते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। अच्छा, भविष्य की कोई योजना है क्या नारायण ट्रस्ट का एक्सपेंशन वगैरह का? अभी हमने क्या किया कि अभी अनिरुद्ध मालपानी और मालपानी को ऐसे सभी अभी मालपानी तो नहीं रहे सर। अनिरुद्ध सर को तो हम ट्विटर में फॉलो करता हूँ, तो मतलब एजुकेशन पर बहुत फोकस है। एजुकेशन के इधर ही मैं यही बताना चाहता हूँ कि अभी अनिरुद्ध मालपानी का दृष्टिकोण ऐसा है कि हम चार बच्चों को ही क्यों संभाल रहे हो, बिल्कुल हम कम्युनिटी के लोगों को सस्टेन करेंगे ताकि उनकी गरीबी नष्ट हो जाए। हाँ। तो इसके कारण उनका एक ड्रीम था, हर एक बच्चे ने खुद का ईमेल तैयार करना, हर एक बच्चे ने खुद का वेबसाइट तैयार टेक्निकली बहुत मतलब समझ। हाँ। और आप वर्ल्ड फेमस हो जाए, वर्ल्ड में आपका बायोडाटा, आपका वर्ल्ड में आपका बायोडाटा देख रहा चाहिए, ऐसा मतलब सराटे कौन है जी, जी, जी। ये वर्ल्ड में पहचान होनी चाहिए, तो आपका खुद का वेब डिजाइन तैयार करो। अच्छा। और इतना उन्होंने डिजिटल एजुकेशन के बारे में प्रेशराइज किया है और ज्यादा से ज्यादा अभी उन पर वही उन्होंने प्रकाश छोड़ डाला है। हमारे पास वही दो प्रोजेक्ट है, एक है आईए का यानी कंप्यूटर में और रोबोटिक ट्रेनिंग में, ताकि टेक्निकल वो नॉलेज बढ़े। तो हमने इधर 1600 बच्चों को अभी तक ट्रेनिंग दे दी है और 5 से 10 हजार बच्चों को हमने पिंच किया है, उनको अवेयर किया है कि हमने ये ट्रेनिंग चालू किया है। ये 2 साल में ही हुआ है और 1600 बच्चों को तो डायरेक्ट हमने ट्रेनिंग दे दिया है। वही बच्चा अभी आप जाके देखेंगे रोबोट कार तैयार करते हैं, कोडिंग करते हैं, थोड़े से कई बच्चे अलग अलग प्रोजेक्ट बनाते हैं, उनके खुद की माइंड चला, कोई पावर विंग भी तैयार कर रहे हैं, कोई हेलीकॉप्टर करके चला रहे हैं, कोई ट्रेन चला रहे हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं जैसे आप बिहार में देखा तो कोलकाता में देखा एक्सीडेंट के कितने आदमी मर रहे ऐसे। तो ये बच्चों में दिमाग आया कि नहीं एक्सीडेंट होना नहीं होना चाहिए, कुछ अलार्म तैयार करो, ये भी बच्चे अभी तैयार कर रहे हैं। आर्यन सिंह आगे तो उसमें बच्चा एक है, तो हमें वही बच्चों को अभी क्रिएट करके वही बच्चे अभी फैसिलेट कर रहे हैं दूसरे बच्चों को। डॉक्टर मालपानी का यही है, टीचर बाहर से मत मांगे, इन बच्चों को ट्रेनिंग देके बच्चों ने ही ट्रेनिंग देने की बहुत जरूरत है। तो ये सब और मस्ती मेकर ही नाम रखा है, उन बच्चों ने सिर्फ टेक्निकल सीखना नहीं है, तो थोड़ा आकाशगंगा भी देखो, इसके कारण टेलीस्कोप कुछ ड्रम सिखा दो, तो उन्होंने डिजिटल ड्रम ला के रखा है, आपका कुछ मस्ती करने करो मस्ती। पियानो जैसे इतना बड़ा वो बोलते कुछ जरूरत है, आप एक नया पियानो ला के रखा है, कुछ भी बचा और थोड़ा मट्टी काम भी सीखना चाहिए, तो उन्होंने वो भी मट्टी काम का एक मशीन ला के रखा है। एक मशीन तो ऐसा है कि एक सोशल टच आने के लिए कि किसी को भी आपके अभी चलते चलते किसी को भी हार्ट अटैक आ गया तो आप उसको कैसे पीसीआर दे सकते हैं, तो वो भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, थोड़ा सा हम देने का एक प्रोजेक्ट वो है। दूसरे प्रोजेक्ट है जो कंप्यूटर हम बोलते हैं, बोलने के लिए कंप्यूटर है पर एक्चुअली वो डिजिटल एजुकेशन, लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी के बारे में ज्यादा डॉक्टर मालपानी अवेयर है। जी जी। हमने 30 कंप्यूटर का एक प्लेस बना है और प्लेस बनने के बाद इसमें अभी तक 1600 बच्चों ने कंप्यूटर का डायरेक्टली एजुकेशन लिया है, 10,000 बच्चों को अवेयर किया है और उसमें से कई बच्चों को इंटर्नशिप दी दी है। अच्छा। अभी कई कई बच्चे 12,000 रूपये कमा रहे हैं, कोई 8,000 रूपये, ये सिर्फ 6 महीने में। बाहर जाके आप देखेंगे वेब डिजाइन सीखना है तो कम से कम बोलेगा 30,000 भरना है, कई बोलते 8,000 भी भरो परंतु कुछ नहीं सिखाते। बायजू जैसे बोलते आप हम कोडिंग सिखाते हैं परंतु 35-40,000 लेते हैं, परंतु बहुत उन लोगों को फंसा दिया जाता है। और कुछ एक मेरे पास बायजूस के बच्चे आके पढ़ना चाहते हैं, बोलते इतना अच्छा डीपली कोई एजुकेशन मिलता है। तो हमने बियॉन्ड एग्जाम जो पंकज भाई है तो दिल्ली में बैठे उनके साथ हमने कोलैबोरेटिंग किया है, और जो टेक्निकल जो बायोबॉक्स के साथ हमने रोबोटिक का कोलैबोरेटिंग किया। डॉक्टर मालपानी उनको सपोर्ट करते हैं, वो वही टेक्निकल हम उनको देते हैं और हम ये प्रोजेक्ट कराने का प्रयास करते हैं। इतना ही हमने क्या कि एक बहुत एक देहात में ना नासिक में ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, त्रिम्बकेश्वर मंदिर है, बहुत पावन मंदिर है, उधर से 90 किलोमीटर गुजरात के बाउंड्री तक एक गांव है। अच्छा।
हिवाले नाम का गांव है, त्रिमुकेश ब्लॉक का ही है, परंतु उधर ना गाड़ी जाती है, ना इंटरनेट की फैसिलिटी, ना कंप्यूटर एजुकेशन, तो वो बहुत दूर। तो वो लोगों ने कुछ अलग काम किया था, तो डॉक्टर मालपानी को उनको महसूस हुआ उनको सपोर्ट करना जरूरी है, तो उन्होंने तुरंत 1,00,000 रुपए की मदद की बच्चों के लिए। तो उनके पास हमने जाके बेसिक नीड जो चाहिए, इंटरनेट चाहिए उनको, कंप्यूटर चाहिए उनको, वो सब हमने देने का प्रयास किया। बाद में और डॉक्टर मालपानी ने 10 कंप्यूटर और दे दिए, परंतु देने से पहले हमने 30 बच्चों को इधर आके सिखाया। इधर रेसिडेंशियल विभाग में एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम लिया, परंतु वो बच्चे सबसे शार्प बच्चे निकले, ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे थे, पर बहुत शार्प बच्चे, उनका ग्रास्पिंग बहुत अच्छा था। और वही बच्चे अभी जाके उधर वेब डिजाइन 25 स्कूल को वो पढ़ाना चाहते हैं बच्चे, क्योंकि वो सेंटर एक क्वाड बना और कम से कम 25 जो जिला परिषद स्कूल है उनको शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। वो काम उधर चालू है। अभी हम नगर डिस्ट्रिक्ट में स्नेहालय के साथ काम करना चाहते हैं। नहीं, स्नेहालय जो है उनका स्नेहालय ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। अच्छा अच्छा। पूरा भारत देश में बहुत अच्छा काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, है। और इसमें HIV एड्स वाले रेस्क्यू करने वाले बच्चों जो वैसे व्यवसाय में जाते हैं, उन बच्चों को उन्होंने 300 बच्चों को एडॉप्ट किया एडॉप्शन सेंटर से। उनके पास चाइल्ड लाइन जैसी सुविधा है, ये सब उनके पास टेक्निकल है, सब अनाथ बच्चों के लिए और ऐसे क्रिटिसाइज बच्चों के लिए खड़ा करने के लिए उन्होंने अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है नगर। और एक नजरिया बोलते हैं और एक पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को देने के लिए, इंस्टीट्यूट कैसे चलाना है, ऑर्फनेज कैसे चलाना है, वो स्नेहालय देने का प्रयास करते हैं। ये सब फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए कुछ, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए हमने क्या किया था कि जैसे अभी कई कई लोग आते, तो हमने हमारे चैप्टर में हमने कन्वर्ट करने का प्रयास किया जो ICICI फाउंडेशन है, तो ICICI फाउंडेशन के लोगों के साथ मैंने हमारे टॉपिक में हमारे एजुकेशन में एक कंपोनेंट है कि हफ्ते में एक बार नहीं तो 15 दिन में आके जाके फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखा दे। आप भी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी आके, आप बहुत माहिर हो इसमें, तो हमारे बच्चों को भी इसमें करके, ये नहीं मैनेजमेंट आएगा तो फ्यूचर उनका बर्बाद होगा, क्योंकि सर ये बेसिक चीज है ना, बेसिक बहुत और ये भी आप करने के लिए प्रयास करेंगे। हम तो करते हैं प्रयास इसमें, यही नहीं सर, हमने साइकोलॉजी के बारे में यही बच्चों को हम काउंसलिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। जो बिरला का एक कंपनी का एम पावर नाम की एक कंपनी, अच्छा अच्छा, वो हर फ्राइडे में मेरे पास आएंगे, चाहे सीनियर सिटीज हो, वर्किंग लेडीज हो, मेरे ये बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट उनको काउंसलिंग करते हैं। ऐसे अलग अलग एजेंसी के साथ काम करते हैं सर। इतने बच्चे लोग इतने अच्छे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं रोबोटिक्स को लेकर के, किसी का पेटेंट आप लोगों ने करवाया या फिर करवाने का प्लान वगैरह है कुछ? क्योंकि मैंने देखा था कि अच्छे अच्छे आइडियाज हैं लोगों के पास बच्चे। अभी हमने उस मोशन पे जाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि ये जो कौन सा भी हो, किसी ने पहला करवा के रखा है, अच्छा, किसी का भी अनुकरण करके ही चल रहे हैं। अभी उन पर ज्यादा निर्भर है, हम बेसिक उनको टेक्निक देना चाहते फैसिलिटी दे रहे हैं और उसमें से उन्होंने पेटेंट ले लिया जी, जी। तो उसका आनंद उसको मिले, हमें समाधान मिलेगा कि हमने इसके कारण उसको सपोर्ट किया, परंतु गॉड और उसका नॉलेज वही देख लेगा और वही हो सकता है आपकी तमन्ना जो है हो जाए। मेरी तो पूरी तमन्ना है जो नारायण ट्रस्ट जो खर्च वगैरह है, तो उसके लिए फंडिंग कैसे होती है? सर मेरे ट्रस्टी मुझे कुछ भी कम नहीं करते। अच्छा सर, मेरे दिमाग में आया और उसको मैंने प्रपोजल दे दिया तुरंत। आप 20 साल के अभी ये बिल्डिंग आपको लगती है क्या, मुझे बता दीजिए। नहीं सर, तो ये बिल्डिंग 20 साल की लगती है, इसमें मेंटेनेंस कुछ भी होता है मैं तुरंत ही रिपेयर करता हूँ, मरम्मत करवा लेता हूँ। कभी भी मुझे ट्रस्टी नहीं बोलते आपने ये कलर क्यों किया, आपने इसका डैमेज कंट्रोल क्यों नहीं किया, कभी बोलने का प्रयास नहीं। मैंने बोलता हूँ तो तुरंत मेरा पास हो जाता है और मैं खर्चा करता हूँ उसके लिए। उन्होंने पैसा गवर्नमेंट से एक छदाम नहीं आता है, पर लाइसेंसिंग गवर्नमेंट के हमारे पास है सब काम करने के लिए, पर सब डॉक्टर मालपानी के पास से पैसा आता है। सर समाज को कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? सर समाज के यही संदेश है कि बाबा डॉक्टर मालपानी ने जो सबने देखे हैं जो बोने का प्रयास किया है, और जो बीज अभी ये जो फलदाना आती है जी, जी, वही आप फल ले लीजिए और उनके जैसा भी अनुकरण करने का प्रयास करें, तो मुझे लगता है गॉड किधर भी नहीं है।
इंसान में, इंसान में बिल्कुल। जैसे मालपाड़ी फैमिली गॉड जैसे पीछे रहती है, समाज के सामने कभी नहीं आते, पर ये काम ही करते, काम ही करते, काम ही बोलते है वही मालपाणी बोलते। कभी मेरे सीनियर मालपाणी बोलते ना, सर अरे कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ गया ना, मेरा नाम ले लो ना, मालपाणी बोलो, बस बोलो, मेरा कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया। यह साई प्रसाद, साई यही पले बढ़े हैं, यहीं रहकर उन्होंने अपने भाई के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की है। उन्हें तो यह भी नहीं पता कि वे कहाँ के रहने वाले हैं। साई कहते हैं कि यहाँ पर इतना प्यार और अपनापन मिलता है कि माँ बाप और परिवार की कमी महसूस ही नहीं होती है। तो आप भी गरीब और बेसहारों की मदद के लिए आगे आइए, इनको आपकी थोड़ी सी आर्थिक और सामाजिक मदद की ज़रूरत है। आपकी थोड़ी सी मदद किसी बेसहारा को आत्मनिर्भर बनाकर समाज के लिए वरदान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।